हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो मानसून से पहले झारखंड के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। कृषि जागरूकता रथ रवाना करते हुए बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा, कोरोना के संक्रमण काल में हमारे किसानों ने हमें जीने की उम्मीद दी है, ऐसे में सभी का फर्ज है कि किसानों को उनके अधिकार दिए जाए और उन्नत कृषि उत्पादन में सरकार सहभागी बने, क्योंकि जीवन के साथ जीविका के मंत्र को लेकर चलना होगा, तभी हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मानसून कब दे रहा है दस्तक, आज किन किन जिलों में बारिश का असर। मानसून शुक्रवार को केरल पहुंच गया है, अब जल्द ही झारखंड में मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 जून को राज्य के दक्षिण तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है, इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। कल राज्य के कई जिलों में हवा के साथ तेज बारिश हुई है, वहीं आज दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार व लोहरदगा में बारिश के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, बच्चों को इसी माह से वैक्सीन मिल सकेगी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक होने की संभावनाओं के बीच अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि बच्चों के लिए कोरोना टीका इसी महीने आ सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने बताया है कि अभी कोवैक्सीन के बच्चों पर परीक्षण शुरू हुआ है, लेकिन उनके पूरे होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परीक्षण प्रतिरोधक क्षमता का होता है, जबकि जायडस कैंडिला के टीके के परीक्षण बच्चों पर हो चुके हैं तथा उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में लाइसेंस के लिए आ सकती है। टीके को मंजूरी देते समय इसे बच्चों को देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में हरियाली बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को कांके रोड रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य जीवन से जुड़ा विषय है, पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में राज्य में हरियाली बनाए रखने की आवश्यकता है, हमें आने वाले भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प आज लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मांग, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए शीघ्र शुरू हो बाल सेवा योजना। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए अति शीघ्र बाल सेवा योजना शुरू करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारों ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजना की घोषणा की है। इसी तरह झारखंड सरकार भी राज्य के अनाथ बच्चों के संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुफ्त सहयोग राशि प्रदान करने की व्यवस्था करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के नगरी में एक साथ 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। झारखंड की राजधानी रांची के नगरी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह डोभा में 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शुक्रवार शाम से लापता थे, शव की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों की भारी भीड़ डोभा के पास जुड़ गई। गांव वालों ने दोनों बच्चों के शव को डोभा से बाहर निकाला गया और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। दोनों बच्चे अलग अलग परिवार के थे। मृतक की पहचान नमीद अंसारी 10 वर्षीय और अरशद अंसारी 12 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों बच्चों के शव मिलने की जानकारी मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया है, पूरे गाँव में कोहराम मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 27 लाख बच्चों की पढ़ाई चौपट। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से कंटेंट मुहैया कराने का निर्देश। 14 महीने में मात्र 32% बच्चे ही जुड़ पाए। झारखंड में कोविड के बाद लागू हुए लॉकडाउन के बाद से सभी सरकारी स्कूल बंद हैं। बच्चे पिछले 14 महीने से कैद हैं, इनकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह व्यवस्था ही पूरी तरह से चौपट है। 14 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सभी बच्चों को इससे जोड़ा नहीं गया है। लगभग 27 लाख बच्चे ऐसे हैं कि सरकारी व्यवस्था से दूर हैं, जिनकी पढ़ाई पिछले 14 महीने में लगभग पूरी तरह चौपट हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई पर क्या बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, चेन्नई से लौटते ही करेंगे यह पहला काम।
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ वे आज भी खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती की गई राशि को वापस करे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तुलना में आज भी सुविधाएं कम मिल रही है। गाँव में स्मार्टफोन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं नेटवर्क नहीं है। खुद वे भी ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि इलाज के लिए चेन्नई गई श्री जो है महतो अभी तक झारखंड नहीं लौटे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों के साथ आज भी वे खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती राशि को वापस करे। कल शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1500 करोड़ रुपये कटौती कर दी गई है। इस कोरोना काल में पैसे की कटौती नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि कटौती की गई राशि को राज्य सरकार को दिए जाए ताकि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी ना हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के ट्रामा सेंटर में लगेगी 10 करोड़ रुपए की सीटी स्कैन मशीन। मशीन निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि कर चुके हैं स्थल का मुआयना। रिम्स के जो है न्यू ट्रामा सेंटर में जल्द ही अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। जर्मनी से लाई जा रही इस मशीन की लागत 10 करोड़ रुपए है। मशीन बनाने वाली कंपनी के भारतीय प्रतिनिधि ने मशीन को स्थापित की जाने वाली जगह का निरीक्षण कर लिया है। रिम्स प्रबंधक ने चिन्हित स्थान की आधारभूत संरचना का मुआयना करने के बाद कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया है ताकि मशीन को स्थापित करने और मरीजों की जांच में परिवर्तन नहीं हो। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक काम पूरा कर लिया जाएगा। रिम्स निदेशक डॉक्टर जो है कमलेश्वर प्रसाद ने बताया है कि मशीन के डिस्पैच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहले से जिन संस्थानों ने ऑर्डर किया है उनकी प्रक्रिया के बाद रिम्स का नंबर आएगा। हालांकि कंपनी के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया है कि शीघ्र मशीन की डिलीवरी कर दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सब्जी बाजार में लगाई कपड़े व जूते चप्पल की दुकान पुलिस ने किया जब्त। रांची जिले के तुपुदाना की सतरंजी बाजार में दुकानदारों ने सब्जियों खाद्य सामग्री के साथ साथ कपड़े एवं जूते चप्पल की दुकान भी लगा दी। इसकी सूचना तुपुदाना ओपी क्षेत्र के दंडाधिकारी कर सेवा के अधिकारी कीर्ति वर्धन को मिली। उन्होंने जो SI राजेश्वरी चौधरी एवं पुलिस कर्मियों के साथ सतरंजी बाजार पहुंचकर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में कपड़ा एवं जूते चप्पल बेच रहे कई दुकानदारों को समझाया। उनके नहीं मानने पर प्रशासन के द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया गया है। इनके साथ ही जो है बाजार में सघन स्तर पर मास्क और शारीरिक दूरी का चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 24 घंटे में 1,20,000 नए केस, 1,97,000 लोग ठीक हुए और 3,370 मरीजों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही 1,97,371 लोग ठीक हुए हैं और जो है 3,370 संक्रमितों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 80,490 की कमी आई है। नए केस में हो रही कमी राहत देने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 60 दिन में 233 शिक्षकों की कोरोना से मौत। झारखंड में 14 महीने से नहीं खुले हैं स्कूल। शिक्षकों से कोविड वार्ड और वैक्सीनेशन सेंटर में ली गई ड्यूटी। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अभी तक लगभग 233 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है। इसमें जो है 165 सहायक शिक्षक और 68 पारा शिक्षक और इनके अलावा जो है स्कूलों के 23 अन्य कर्मियों को भी कोरोना ने ले लिया है। इसका खुलासा शिक्षा विभाग की ओर से राज्य भर में मांगे गए मृत शिक्षकों के ब्यौरों से हुआ है। ये सभी जो है शिक्षक प्राथमिक और मिडिल स्कूल के हैं। शिक्षक संघ शिक्षकों की मौत के लिए उनके शिक्षेत्र ड्यूटी को कारण मान रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में शिक्षकों से कोविड वार्ड से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, कोरोना की जांच के लिए डोर टू डोर हुई स्क्रीनिंग में भी शिक्षकों की तैनाती लगाई गई है। संघ शिक्षकों की मौत का सबसे बड़ा कारण इसी को मानता है। शिक्षक संगठन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद संजय सेठ ने शुरू किया एक घर एक पेड़ अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट की ओर से शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एक घर एक पेड़ के नारे के साथ इस अभियान की शुरुआत रांची के सांसद संजय सेठ ने की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास के हेरिटेज एम्बेसडर देव सिंह ने सांसद सेठ को एक पेड़ भी भेंट किया। देव सिंह ने बताया कि एक घर एक पेड़ अभियान की शुरुआत देश के 3 राज्यों में की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड शामिल है। इस अभियान में अधिक से अधिक युवा जुड़ सके या उनका प्रयास से ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1,000 पौधे लगाने का काम संस्था के द्वारा किया जाएगा ताकि ग्रामीण भारत हरा भरा और स्वच्छ बना रह सके।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई स्कूल में कोडिंग डाटा साइंस की पढ़ाई होगी। सीबीएसई चालू शैक्षणिक सत्र से अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसका मकसद बच्चों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है। निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हमने वादा किया था, सीबीएसई इसे पूरा करने जा रहा है। सीबीएसई ने स्कूलों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा है कि कोडिंग को कक्षा 6 से 8 तक में 12 घंटे के स्किल जो है मॉड्यूल के तौर पर शामिल होगा। इससे जो है छात्रों की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और वे जो है कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता के बारे में जान सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डीजीपी ने सरायकेला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर पुलिसकर्मियों को दिया मंत्र, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। झारखंड के डीजीपी नीरज सिंह कल शनिवार को सरायकेला जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है रायजामा स्थित पुलिस कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने जो है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया, वही जो है इसके साथ ही जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की। झारखंड के डीजीपी नीरज सिंह ने पुलिस के जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान जो उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की मारक क्षमता जानेगी सरकार। कोरोना से मृत सभी लोग के सैंपल की आईएलएस भुवनेश्वर के लैब में होगी जांच। हर 15 दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों के सैंपल को भी भेजा जाएगा। झारखंड सरकार अब राज्य में इलाकावार कोरोना के मारक क्षमता की अध्ययन करेगी। इसके लिए सरकार अब राज्य में अब तक कोविड से होने वाली मौत के सभी मृतकों के सैंपल के होल जो है जेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ जो है साइंसेज भुवनेश्वर भेजेगी। इससे सरकार इस बात की जो है जानकारी जुटाएगी कि राज्य में कितने प्रकार के कोविड के जो है म्यूटेंट एक्टिव थे और कौन सा कितना खतरनाक है। इतना ही नहीं, सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में कोविड के सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके के 15 सैंपल हर 15 दिन में जो है जेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजी जाएगी, ताकि म्यूटेंट की सक्रियता का अंदाजा लगाया जा सके और उस पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तबियत बिगड़ी। रामगढ़ अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टर ने दी जानकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबियत अचानक क्षेत्र के दौरा करने के दौरान बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रामगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना जांच की, जिसके बाद विधायक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में वह विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों व गांवों का दौरा कर रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।